बोले प्रज्ञा प्राण की जय। युवा सन्यासी ट्रेन में सफर कर रहा था, ध्यान मग्न बैठा हुआ था। अंग्रेज टीटी आया और अंग्रेज टीटी ने कहा, ए इंडियन बाबा, तुम ये फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में सफर नहीं कर सकता। कहा, क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास में टिकट है ना इंडियन, इसमें फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास में टिकट है। और उनको अगली स्टेशन पर ला करके उतार दिया। युवाओं की आंखों में भी कितनी ऊर्जा होती है, मैं ऊर्जा की बात करता हूं। स्वामी रामतीर्थ उतर गए प्लेटफार्म पर, पद्मासन लगा करके बैठ गए और उन्होंने नेत्रों की दृष्टि रेल के इंजन के पहिए पर टिका दी। अब ट्रेन चलने का समय हुआ, ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया लेकिन आगे ही नहीं बढ़ता था, बहुत तेज प्रेशर दिया आगे ही नहीं बढ़ता था। तब फिर मैकेनिक बुलाए गए, कोई खराबी नहीं, एक्सपर्ट इंजीनियर आए, नो डिफेक्ट। देखा कि ये चल क्यों नहीं रही है गाड़ी, एक सिपाही की नजर पड़ी और उनका देखो देखो वो इंडियन बाबा कैसी टकटकी लगाए हुए बैठा है। और युवा स्वामी जी ट्रेन पर इंजन के पहिए पर अपनी टकटकी लगाए हुए, त्रटक दृष्टि लगाए हुए बैठे थे। लोगों को मामला समझ में आया, सारे अधिकारी महात्मा जी के चरणों में पड़े। महात्मा जी चलिए फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में सफर कीजिए, चलिए आप अपनी दृष्टि हटाइए। हमारे युवाओं में ऐसी दृष्टि प्राप्त होती थी, उनको मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो दृष्टि का सदुपयोग करते थे, वाणी का सदुपयोग करते थे। आज हमारे युवा के मुंह पर गाली तकिया कलाम के समान रखी रहती है, बात बात में वो गाली निकालते हैं, ठेठ गालियां देते रहते हैं दिन भर। जिस जिब्बा से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और जिब्बा को उन्होंने बर्बाद कर दिया गालियां दे देकर। जिन आंखों से भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करना चाहिए उन आंखों से आज युवा घूरता रहता है और अपनी दृष्टि को वासना के अंधकार में डुबाए रहता है। और पता नहीं इस युवावस्था को क्या हो गया। युवाओं की कहानियां जब सुनते हैं समझते हैं तो बंधुओं याद आ जाती है सुभाष चंद्र बोस की जवानी। युवा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यदि मुझे 100 युवा मिल जाएं तो मैं रातों रात इस देश को आजादी दिलवा दूं। और वो खोज में निकले थे अध्यात्म की, में हिमालय में आए, हिमालय में सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया। और फिर उनके मन में विचार आया कि हिमालय इतना ऊंचा, इतना विराट, मैं अपनी जवानी को हिमालय में घूम घूम करके खोजूं और मेरा राष्ट्र परतंत्रता से जकड़ा रहे, ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद हिमालय बनूंगा। और हिमालय जैसे दृढ़ निश्चय करके जब वो निकले, उन्होंने जापान पहुंच करके आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। और आजाद हिंद फौज ने गोरिल्ला युद्ध लड़ लड़कर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ये बात सत्य है कि सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी के प्रयासों से इस देश को आजादी मिली, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कोई कम नहीं कह सकता। युवाओं में जब फूटती है ऊर्जा तो उस ऊर्जा से बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाया जा सकता है। इसलिए ऋषि कहते हैं
कर्तव्याजीवने तस्य व्यवहारं नमाब्रजेत बुद्धौ भार इवायाति व्यर्थ चानेन कर्मणा। हमारे युवाओं को व्यर्थ के कामों से बचाना चाहिए। सुसंगति का उनके अंदर प्रभाव पड़े और श्रेष्ठ संग वो अपनाए। माता पिता को, बुजुर्गों को ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए। कोरी डिग्री प्राप्त कराना, जब भी पूछते हैं माँ बाप से तो वे एक ही बात कहते हैं, हमारा लड़का तो बीए कर रहा है, हमारा लड़का तो बीएससी कर रहा है, हमारा लड़का तो एमकॉम कर रहा है, हमारा लड़का तो बीई कर रहा है, हमारा लड़का तो एमबीबीएस में पढ़ रहा है। केवल कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होना। चार युवा पंडित थे, वो एक गुरु के यहां जाकर के चार पांच उन्होंने वाक्य सीख लिए और रट लिए। उन वाक्यों को उन्होंने रट लिया अच्छी तरह। पहला वाक्य था, महाजनो येन गतः सपन्थः। खूब रटा उन्होंने, महाजनो येन गतः सपन्थः। दूसरा उन्होंने रट लिया, राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति सब बांधवः। इसको भी उन्होंने याद कर लिया। तीसरा वाक्य उन्होंने याद किया, धर्मस्य त्वरितः गतिः। इसको भी खूब रटा उन्होंने। और फिर उन्होंने चौथा वाक्य रटा, आगमिष्यति यत्पत्रम तदस्मात्तार यश्यति। एक और उन्होंने वाक्य याद कर लिया, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तदिति पंडितः। अतिविस्तार विस्तीर्ण तद भवेन्न चरायुषम। और सातवां वाक्य उन्होंने याद किया, छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। अब चारों पढ़ करके निकले स्कूल से और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा रास्ता तय किया जाए। इतने में कोई वैश्य मर गया था, उसकी अर्थी जा रही थी, सारे महाजन लोग मरघट की ओर जा रहे थे। तो एक आदमी ने कहा, महाजनो येन गतः सपन्थः, ये बनिए जिस ओर जा रहे हैं उसी तरफ चलो। तो वो मरघट पहुंच गए। मरघट में अब किसको मित्र बनाए, तो मरघट में देखा तो एक गधा खड़ा हुआ था, राजद्वारे शमशाने चा यस्तिष्ठति स बांधवा। राजदरबार में और शमशान में जो बैठा हो वही अपना बांधव है, ऐसा सोच करके गधे से गले मिलने लगे। गधे के आगे पीछे हुए, गधे ने दुलत्ती झाड़ी और पिटकुट करके गधे से भाग खड़े हुए। अब क्या करें, एक भागते भागते नदी के पास में आए और नदी में एक पत्ता बह रहा था, केले का पत्ता। तो कहा क्या करें, कहा आगमिष्यति यत्पत्रम तदस्मा तारयिष्यति, अगर डूबते में पत्ता भी मिल जाए तो उस पर बैठ करके पार होना चाहिए। केले के पत्ते पर बैठ करके पार होने लगे, डूबते डूबते बचे प्राणों की बनाई। आगे चल करके देखा नदी के किनारे एक आदमी डूब रहा था, कहा अब क्या करें, इसको कैसे बचाएं। तो सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तरित पंडिता, उनका इस पूरे आदमी को तो नहीं बचाया जा सकता। तलवार निकाली, पहले के लोग तलवार निकालते थे और उसको बचाने के लिए उसका सिर काट दिया कि पूरा नहीं बचा तो सिर तो बच गया। बंधुओं, ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा। अर्थ का अनर्थ करें, ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। युवावस्था में हम खूब पढ़ाई करते हैं लेकिन कितनी पढ़ाई हमारे काम आती।
जीवन में व्यावहारिक शिक्षा को यदि ढाल लिया तो बंदियों वह पढ़ाई अधिक काम आती है। आज जरूरत है नवयुवकों को जगाने की, और जो जाग जाता है वो महान बन जाता है, जो जाग गया उसके जुलूस निकलने लगे। बंदा बैरागी को आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो घर द्वार और परिवार छोड़कर के जंगल में जाकर के बैठ गया, तप करने लगा। उसी समय गुरु अर्जुन देव का संदेश चारों तरफ बिखर रहा था, आज राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बलिदानियों की आवश्यकता है। सच्चा त्यागी सच्चा बैरागी वही है जो राष्ट्र उत्थान के लिए कृपाण तान ले। बैरागी के कानों में भी ये स्वर टकराए और बंदा बैरागी ने कहा, मैं जंगल में बैठ करके ओमकार गुंजन करता रहूं, ओमकार ओमकार का भजन करता रहूं, इससे अच्छा है कि मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए तलवार तानूं। और वो बंदा बैरागी अपने सच्चे अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए अर्जुन देव के शरण में पहुंच गया, और वो गुरु अर्जुन देव उसे हमेशा बंदा बैरागी कहकर के ही पुकारते थे। अकेले बैरागी ने सैकड़ों आताइयों का सर काट दिया था। बंधु, आज बच्चों को ऐसी व्यवहारिक शिक्षा देना जरूरी है। केवल कोरा ज्ञान हमारे युवाओं का उद्धार नहीं कर सकता, कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। युवाओं ने बड़ी क्रांति की। रामचरितमानस के दोनों युवा, कोई उनको विस्मृत नहीं कर सकता है। जिन युवाओं के विषय में कहा है, बड़ भागी अंगद हनुमान, बड़ भागी अंगद हनुमान, बड़ भागी अंगद हनुमान, बड़ भागी अंगद हनुमान, करण कपल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, महावीर बिनबाहु हनुमाना, महावीर बिनबाहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, करण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। रामचरितमानस के चिर युवा, एक हनुमान एक अंगद, उन्होंने अपनी जवानी को राम काज में झोंक दिया था, सांस नहीं ली थी। जैसे जब उनका परिचय कराया जामवंत ने, हनुमान तुम्हारा जन्म काम काज के लिए नहीं हुआ, तुम केवल नीचा सिर किए मत बैठे रहो, जवानो जवानी को जगाओ। और बंधु, अब जवानी जागी, जैसे ही जामवंत ने स्मरण दिलाया था, राम काज लगी तो अवतारा, राम काज लगी तो अवतारा, ते भयाऊ पर्वताकार, सुनते भयाऊ
को पति कर बाना मिया मोगर पति कर बाना यही भांति चले ओ हनुमाना यही भांति चले ओ हनुमाना सुन रावण ब्रह्मांड निकाया सुन रावण निकाया आये जासु बल बिरचित माया आये जासु बल बिरचित माया जाके बल बिरंत हरि ईसा जाके बल बिरंत हरि ईसा माल तत जत हर तत दस सीता हनुमान जी गए वेग के साथ जैसे भगवान श्री राम का बाण छूटा हो और कहां गए उस त्रिलोक विजय रावण के सामने और जाकर के उन्होंने भगवान का बखान कर दिया। मैं केवल तुम्हारे यहाँ तोड़फोड़ करने के लिए नहीं आया, मैं केवल तुम्हारे यहाँ आग लगाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं एक संदेश लेकर के आया हूँ और राम जी का वह संदेश सुनो, मैं बहुत बड़े बलशाली का संदेश लेकर के आया हूँ। और जिस रावण के सामने कोई जवान नहीं खोल सकता था, काल जिसकी पार्टी से बंधा रहता था, इंद्र जिसके यहाँ हवा करता रहता था और वरुण जिसके यहाँ पानी भरता रहता था, अग्निदेव जिसके यहाँ भोजन पकाते थे, उस रावण के सामने भी हनुमान जैसे युवा ने आंखें लाल लाल करते हुए कह दिया था, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जासु बल विरचित माया जाके बल बिरंत हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा जा बल शेष धरस सहसासन अंडकोश समेत गिरि कानन धरे जो विविध देश सुरत्राता तुमसे सठन शिखावन दाता हर को दंड कठिन जय भंजा तुय समेत नृप जल मद गंजा खर दूषण तृष्णारु वाली बधे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवलेश ते जिते उच्चराचर धार तास दूत में जाकर हर आने हो प्रिय नारी। मैं किसी ऑफिसर का लड़का नहीं हूँ, मैं किसी लेफ्टिनेंट का बेटा नहीं हूँ, बल्कि मैं महाकाल का संदेश लेकर के तेरे सामने आया हूँ और मैं अपनी जवानी का बखान तेरे सामने नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं भगवान का गुणगान तेरे सामने कर रहा हूँ। हो सकता है कि तेरा तीसरा नेत्र खुल जाए, विवेक की ज्योति जाग जाए और तू सुनिश्चित रूप से अपने जीवन को सार्थक कर ले। लेकिन बंधुओं, जवानों की जवानी जब जागती है और जब कोई सामने वाला व्यक्ति अनीति करता है तो फिर उसका घर भी जलाने की क्षमता उनके अंदर होती है। एक जवान की बात मैंने आपसे कही और अंगद जैसा जवान भी गया था जिसने वहां पर जाकर के पैर टिका करके कह दिया था, जो सठ चरण सकई मम तारा फिर ही राम सीता में हारा। वैसे तो मैं हाथ जोड़ करके तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन हाथ जोड़ने की जगह हाथ तोड़ा भी जा सकता है और मैं पैर टिका करके कहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ कोई भी ऐसी जवानी हो जो मेरे पैर को हटा दे तो मैं अभी अभी सीता को हार जाऊंगा। बंधुओ, ये जवानी है जो चुनौती देती है, जो ललकारती है, जो फटकारती है। लेकिन आज उन जवानों को क्या कहें जिनके गाल पिचक गए हैं, जिनके चेहरे पर लालिमा नहीं है, जिन्होंने अपनी आंखों की दृष्टि खो दी है, केवल उनके ऊपर वासना का भूत सवार होता है, राष्ट्र का कहीं पर भी नाम नहीं रहता। आज राज धर्म के लिए युवाओं की आवश्यकता है। युवा जिंदा होगा तो धर्म जिंदा रहेगा, युवा जिंदा होगा तो राष्ट्र जिंदा होगा, और जवानी जिस दिन कुर्बानी देने के लिए आगे आ जाएगी बंधु, उसी दिन राष्ट्र में नई कहानी लिखी जाएगी। इसलिए आज युग पुकार रहा है, हे नौजवानों जागो, आज युग की मांग को पूरा करो। आज जिस देश में इंजीनियर की डिग्री लेकर के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस देश में डॉक्टर लोग बेकार घूम रहे हैं, जिस देश में वकील को सब्जी लाने का पैसा भी अपने घर अपने लिए नहीं मिल पाता है, जिस देश में क्लर्की करते करते जवान बूढ़े हो जाते हैं, आज जिस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर हो,
आज भगवान के कार्य के लिए युवा नहीं मिल रहा है, आज भगवान के कार्य के लिए आदमी नहीं मिल रहा है, आज राष्ट्र उत्थान के लिए जवानी पूरी तरह से आज दिखाई नहीं दे रही है। अपनी सुसुप्ति को त्यागो, जागृति की अवस्था में आओ। ए नौजवानों, तुम्हें यह राष्ट्र पुकार रहा है। जाग नौजवान, जाग नौजवान, जाग नौजवान, जाग नौजवान। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। ग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, दुर्दशा ग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, भ्रष्ट हुआ तंत्र राष्ट्र संपदा मिटा रहा, भ्रष्ट हुआ तंत्र राष्ट्र संपदा मिटा रहा। मुसिला है न्याय का, मुसिला है न्याय का, मौन रे विधान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। से जूझने के मोर्चे खुले हुए, अनीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। है दुखी समाज और, है दुखी समाज और, तू बना जान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। आज युवा शक्ति को जगाने की और जागने की आवश्यकता है। ये युवा लोग जाग क्यों नहीं पाते, कारण क्या है, कौन सा अवरोध आ जाता है, उसके लिए हमारे युग व्यास कहते हैं, कुसंगाद बालका रक्षा सेवकेषु सखिष्वपि अध्यापकेषु चान्येषु परिचितेषु जनेष्वपि योग्या के संत योग्या के ते मत्र विभाव कही तत्कर्वत प्रसंगेस्मन अनिवार्य ही मन्यताम। युवाओं के रगों में पहले खून बहता था और जब भी अनीति अन्याय देखते थे खून खौलने लगता था, लेकिन आज
सामने अन्याय होता रहता है, युवा सिर झुका करके चल देता है। ट्रेन में हमारी माताओं बहनों की अस्मिता खतरे में हो, सड़क पर खतरे में हो, उनकी इज्जत पर आंच आ रही हो, तो भी हमारे युवा सिर नीचा करके चल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अश्लीलता ही अच्छी लगती है। आज अश्लीलता की होली जलाई जानी चाहिए, अन्यथा इस देश की जवानी पानी हो जाएगी। कुसंगत आदमी को बर्बाद कर देती है। जाइए ना जहां तहां संगत को, संगत की कायर के संग सूर, वो तो भागे है पे भागे है। फूलन के पास जाओ, फूलन सुगंध हो, कामनी के संग काम जागे है पे जागे है। घर बसो घर बसो घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता पे पागे है पे पागे है। काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, काजल को दाग सब पे लागे है पे लागे है। आज आवश्यकता है बंधुओं कि अपने बच्चों को कुसंगत से बचाया जाए। माना कि आपका बच्चा सही है, लेकिन सिगरेट वालों के पास में जाकर के बैठेगा तो एक दिन सिगरेट पीना जरूर सीख जाएगा। बीड़ी पीने वाला पहले बिंडल सामने बढ़ाता है, लो एक बीड़ी पियो। अरे नहीं साहब मैं नहीं पीता। नहीं नहीं पीजिए ना, आपको तो फ्री की मिल रही है। और फ्री की एक बीड़ी 5 साल बाद बच्चे की जवानी को बर्बाद कर देती। शराबी लोग शराब पीना सिखाते। आज जो प्रतिभाएं कुंठित हैं, आज जो अवगुण बढ़ते चले जा रहे हैं, दुराग्रह बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है बंधुओं कि कुसंगत के कारण हमारा युवा आज अपनी यौवन शक्ति को भूलता चला जा रहा है। गुण के गाहक साहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सब है सुहावन, दो कोई रंग काग सब गने अपावन। कह गिरधर कबिराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। आज गुणों को बढ़ाने की आवश्यकता है। अवगुणों से सारी दुनिया भरती चली जा रही है, महत्वाकांक्षाएं जाग रही है। आदमी ऊंचा तो बनना चाहता है लेकिन ऊंचे काम नहीं करना चाहता। एक मेढक था, वो साइकिल वाले के पास में पहुंचा और साइकिल वाले से कहा, ये जो हाथी जा रहा है ना, मुझे इतना बड़ा कर दो। साइकिल वाले ने कहा, मैं कैसे करूं? कहा, मुझे में हवा भर दो। तो साइकिल वाले ने बहुत कहा मेढक से, भाई देख मान, तू हाथी बराबर नहीं हो सकता, अपने तेरे अंदर जो प्रतिभा है उसी का उपयोग कर। नहीं तो उसने उसके मुंह से पंप